हेलो दोस्तों, मैं सत्यम शिवा से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम आईलाइट पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए सिरिज बोर्ड बनाने का तरीका बताऊंगा कि सिरिज बोर्ड कैसे बनाया जाता है, उसका क्या काम होता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखें और समझें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सीरीज बोर्ड बनाने के लिए हमें एक होल्डर की आवश्यकता पड़ेगी, एक टू पिन की आवश्यकता पड़ेगी और एक बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, इसको आप कस लीजिएगा, हम पहले इसको कस चुके हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको बोरिंग ना लगे। दोस्तों, आइए आते हैं बोर्ड के बैक साइड में। दोस्तों देखिए, अब इसका कनेक्शन हम क्या करेंगे, ये जो होल्डर का एक होल्डर में दो टर्मिनल होता है और पाइप में दो टर्मिनल है, तो क्या करेंगे, होल्डर के एक टर्मिनल को मेन निकाल देंगे और होल्डर के एक टर्मिनल और टू पिन का एक टर्मिनल दोनों को शॉर्ट कर देंगे और फिर यहाँ से जो एक टर्मिनल बच जाएगा टू पिन का, वहाँ से हम मेन निकाल देंगे। तो आइए दोस्तों, एक साथ कनेक्शन करते हैं। देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा तार की आवश्यकता पड़ेगी, तो आइए शुरू करें। अब इसको थोड़ा सा लूज कर लीजिएगा, लूज करने के बाद सॉरी दोस्तों, थोड़ा आवाज़ में से प्रॉब्लम होगा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा ग्लास पता नहीं क्यों फंस रहा है। तो ये दोस्तों कनेक्शन करते हैं, इसको थोड़ा एक टर्मिनल को लूज करके इसमें आप तार को छील के डाल दीजिएगा और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको कस दीजिएगा। अभी इसके बाद से यहाँ से हमारा मेन निकल गया और दोस्तों फिर क्या करेंगे, तार लेंगे एक अलग से और फिर इस टर्मिनल को खोल देंगे। खोलने के बाद इसमें स्क्रू ड्राइवर डाल के, तार डाल के और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको कस देंगे। अच्छे से कसिएगा, थोड़ा सा भी लूज ना हो। उसके बाद से क्या करेंगे दोस्तों, इतना नाप के, इसको नाप के इतना और हम काट लेंगे। नापने के बाद इसको काट लीजिएगा, काट के इसको छील लीजिएगा, छील के फिर इसको मोड़ के और फिर इस टर्मिनल को थोड़ा लूज करके और इसमें डाल के फिर इसको ड्राइवर की मदद से इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। अब दोस्तों ये बच जाएगा जो टर्मिनल, अब यहाँ से हम एक मेन निकाल देंगे। दोस्तों, हम चेक करके ही बता देंगे आपको आकि ये कैसे काम करता है। अब इस तार को इसमें डाल के फिर कस दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि और आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए, और ना समझ में आए तब भी कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारा ये बन के पूरा तैयार हो चुका है बोर्ड, और दोस्तों दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों, अभी शोल्डर में हम बल्ब लगाएंगे, बल्ब लगा के अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो तार है इसको हम बिजली में लगा देंगे। बिजली में लगा देंगे और लगाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, हमें एक तार चाहिए जो दोनों तरफ से खुला हो या उसमें ये टू पिन कसा हो। देखिए, सेम ऐसा तार चाहिए क्योंकि सीरीज चेक करने के लिए ऐसा तार एकदम आपको ज़रूरी होगा। तो क्या कीजिएगा, आप इस तार को बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक दो मीटर तार ले लीजिएगा और उस और एक टू पिन टॉप लेके उसमें कस दीजिएगा और एक छोर जो उसका होगा उसको ऐसे ही ऐसे छोड़ दीजिएगा। तो ये दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे अच्छी तरह से। अब डालने के बाद जब इसको हम दोस्तों अगर हम लड़ाएंगे तो ये चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका उपयोग इसलिए होता है कि अगर हमें कोई सर्किट जांच करना होता है या कोई कंपोनेंट जांच करना है तो
अगर हम उसको डायरेक्ट लाइन में अगर सप्लाई में डाल देंगे तो जलने का पूरा पूरा चांस होता है या आग भी उससे लग सकता है, इसलिए उसको चेक करने से पहले हम स्विच बोर्ड से चेक करते हैं, यही इसका मेन भूमिका होता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।